जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग। तो आज ये 1 जुलाई गुरुवार के दर्शन है। कुछ ऐसा सा श्रृंगार मैंने किया है। तो आज के दर्शन में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत ही ठाकुर जी के श्रृंगार से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल और सोबल सा है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ के सारे सभी के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी के खेल खिलौने रखे हुए हैं और यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण हैं जो अपने गौ माता के साथ है। यहाँ हमारे राधा रानी और ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सुंदर से क्यूट से लग रहे हैं। और यहाँ हमारे छोटे छोटे से बाबू बैठे हुए, लड्डू बाबू बंसी लेकर बजा रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आप सभी से क्या शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं आप सभी को ठाकुर जी के दर्शन बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आज कितने प्यारे हमारे ठाकुर जी लग रहे। इसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि ये कान के कर्ण फूल जो ठाकुर जी के बनाए हैं। हमें रिक्वेस्ट आई है कि आपने ये कैसे बनाए वो शेयर करिए। तो मैं बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगी कि ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही प्यारे लगते हैं जब हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये जो मैंने माला पहनाई है ठाकुर जी को, ये सिंगल सिंगल पहनाई है, बहुत ही सुंदर है। और अगर आपके ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, प्यारे नन्हे नन्हे से हैं, तो आप ज्वेलरी जैसे मैं माला पहनाती हूँ तो वो काफी कभी कभी बड़ी हो जाती है, मतलब परफेक्ट साइज हमें नहीं पता चल पाती। तो देखिए इस बारी मैंने किया कुछ ऐसा है कि मैंने हर एक माला है वो खाली सिंगल सिंगल लाइन, उसमें कोई भी पदक या कुछ भी नहीं मैंने पहनाया है, खाली मालाएं बनाई है सिंगल सिंगल और उसे मैंने ज्वाइंट भी नहीं किया है, मतलब सारे ही अलग अलग है। तो आप इसे कोई भी मिक्स एंड मैच में पहना सकते हैं। तो आज मैंने ठाकुर जी को पहनाया है, देखिए एक हासली पहनाई हुई है छोटी सी जो हर हमेशा मैं पहनाती हूँ। उसके बाद मैंने पहनाई है एक सफेद रंग की माला, उसके बाद एक पीले रंग की माला और उनके नीचे है एक गोल्डन रंग की माला जो मैंने सारी ही मोतियों से बनाई है। तो इस तरह से आप सिंपल सा और सोबल सा बहुत ही प्यारा श्रृंगार कर सकते हैं ठाकुर जी का। तो कुछ इस तरह से हमने राधा रानी का भी इसी तरह से श्रृंगार किया हुआ है। आप देख रहे हैं हमने ठाकुर जी से ही मिला जुला श्रृंगार, उन्हें ज्वेलरी पहनाई है। तो ये बहुत इजी है और ये भी मैं आप सभी के साथ जब कर्णफूल बनाऊंगी शेयर करूंगी तब शेयर करूंगी कि कैसे बनाने हैं। बहुत इजी है और आपके लड्डू बाबू छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी साइज के हैं तो आप इस तरह से माला बनाकर उन्हें पहना सकती है, बहुत सुंदर लगता है। मिक्स एंड मैच में आप अलग अलग पहना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आज उन्हें सफ़ेद, गोल्डन और पीले पहनाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उन्हें लाल पीले पहना सकते हैं, दो लाइन सफ़ेद की और एक बीच में कोई भी कलर जैसे ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, आप जो भी चाहे पहना सकती है, या बीच में आप गोल्डन कलर की भी रखती है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगी कि मिक्स एंड मैच हम कैसे पहना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज के हमारे लड्डू बाबू और राधा रानी के दर्शन पसंद आए होंगे और आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।